हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल डेंटिस्ट्री टू द पॉइंट। मेरा नाम है डॉक्टर चित्रांश निगम और मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ जो इंस्ट्रूमेंटेशंस आपको रिक्वायर्ड रहते हैं ओरल सर्जरी में, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं कुछ एलिवेटर्स लेके आया हूँ आपके सामने। ये API किट है एलिवेटर की। तो ये सारे एलिवेटर्स नहीं है इस किट के अंदर, हमारे पास बहुत सारे दूसरे भी एलिवेटर्स हैं। तो हम अभी कुछ एलिवेटर्स इस सीरीज में डिस्कस करेंगे और कुछ एलिवेटर्स बाद में। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट एलिवेटर्स हम डिस्कस करते हैं और जो बहुत बेसिक एलिवेटर होता है वो है ये पेरिओस्टियल एलिवेटर। ये है पेरिओस्टियल एलिवेटर। तो किसी भी एलिवेटर में अगर आपको समझना है तो उस एलिवेटर के तीन पार्ट होते हैं। ये होता है ब्लेड, ये होता है शैंक और ये होता है हैंडल। उसी प्रकार से ये डबल एंडेड है तो उसमें ये वाला ब्लेड हो जाएगा, ये हो जाएगा शैंक जो ब्लेड को और हैंडल को कनेक्ट कर रहा है, और ये हो जाएगा हैंडल। अगर आप इस एलिवेटर में बात करो जो सिंगल टिप है इसकी, तो ये है ब्लेड, ये है शैंक और ये है हैंडल। तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो किसी भी किट में हमारे पास दो एलिवेटर्स आते हैं। इनमें साइज का डिफरेंस होता है, एक छोटा एलिवेटर होता है और एक बड़ा होता है, शॉर्ट और लॉन्ग। या तो इसको आप पीडियाट्रिक या पीडो पेशेंट्स में यूज कर सकते हो और ये इसको नॉर्मल पेशेंट्स में यूज कर सकते हो। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसको मोल्ट 9 है, ये मोल्ट 9 एलिवेटर। मोल्ट एक साइंटिस्ट का नाम है। मोल्ट 9 एलिवेटर, इसके दो एंड्स हैं, एक शार्प एंड है और एक ब्लंट एंड है। ये स्पून शेप्ड है, ये वाला स्पून शेप्ड है और ये शार्प एंड है। ये एलिवेटर यूजुअली फुल थिकनेस फ्लैप को रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जब भी हम ओरल सर्जरी में हम टूथ एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो फुल थिकनेस फ्लैप, जैसे कि इस एलिवेटर को इस तरीके से आपकी जो फ्लैप है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ताकि हम नीचे का अंडरलाइन बोन देख पाए और हमारे दूसरे एलिवेटर्स को यूज कर पाए। तो इस तरीके से ये फ्लैप को मैंने इससे ओपन कर लिया है। ये बैक साइड वाला जो एंड है इसको आपको फ्लैप को और रिफ्लेक्ट करने में आसानी होगी। दूसरी तरफ से अगर आप इजीली देखेंगे, दूसरी तरफ भी आपको दिख रहा होगा कि मैंने इसको एक पैपिला में इंगेज करा, पैपिला में इंगेज करते हुए लेके जाके और धीरे 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 मैं इस फ्लैप को ओपन करता हूँ। इस पेरिओस्टियल एलिवेटर को आपको ध्यान रखना है कि ये गिरे नहीं, क्योंकि अगर इसकी शार्प, बहुत सुंदर सी शार्प सी टिप है, आपको एक बैकग्राउंड में दिखेगी, ये टिप है, अगर आप ये गिरता है तो आपकी टिप इस तरीके की हो जाती। जो मेरे क्लिनिक पर ये गिर चुका है एलिवेटर, और अब ये वाला जो स्मॉल एलिवेटर है मेरा करीब करीब डैमेज हो चुका है, तो मैं इसको अब यूज नहीं कर सकता, ये टिप अब ब्लंट हो चुकी है। तो ये वाला एलिवेटर मैंने डिस्कार्ड कर दिया है, सिर्फ दिखाने के लिए रखा है, और मेरे पास सिर्फ अब एक फंक्शनल और अच्छा एलिवेटर बचा है ये। तो ये एलिवेटर इस तरीके से काम करता है। दूसरा इसका जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है वेज प्रिंसिपल। वेज प्रिंसिपल यानी क्या, कि आप इस एलिवेटर को जो बोन है अंडरलाइन बोन, इंटरडेंटल जो बोन है, उसमें आप इसको वेजिंग करके इसको और टूथ को लग्जेट कर सकते हो इस तरीके से। ये है, इस तरीके से आप जब इसको हिलाओगे तो दांत धीरे 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 आप देख सकते हो लग्जेट होता जाएगा। तो ये वर्किंग है पेरिओस्टियल एलिवेटर की। उसी तरीके से ये तीन एलिवेटर्स हैं जो कि स्ट्रेट एलिवेटर्स हैं मेरे पास API किट के। ये तीनों एलिवेटर स्ट्रेट एलिवेटर हैं। ये स्ट्रेट एलिवेटर है विथ अ शार्प टिप, ये स्ट्रेट एलिवेटर है विद अ कर्व टिप, और ये भी स्ट्रेट एलिवेटर है विद अ कर्व टिप। इन दोनों में अंतर ये है, ये स्मॉल है, यूजुअली रूट्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये वाला भी यूजुअली रूट्स के लिए इस्तेमाल होता है, जब अपाइकल थर्ड ऑफ द रूट्स जो है वो रह जाती है, तो इन दोनों को इसलिए यूज करते हैं। थर्ड वाला, ये वाला जो है, ये क्राउन के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं आपको एक को यूज करके दिखाता हूं। इसका प्रिंसिपल भी जो है वो आपका वेज प्रिंसिपल रहता है बेसिकली, या फिर लेवर प्रिंसिपल रहता है। अगर वेज प्रिंसिपल देखेंगे तो आप ये इस तरीके से साइड वाले जो दांत है उनको सपोर्ट करके और इस तरीके से वेजिंग कर सकते हो। इंटरडेंटल बोन में जब आप इसको वेजिंग करोगे तो ये दांत धीरे 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 जो है लग्जेट हो जाएगा। दांत धीरे धीरे लग्जेट होने के बाद ये इस तरीके से आप इसको दांत को लग्जेट करो, गोल 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 घुमाओ। जब ये दांत लग्जेट होने लगेगा, इंटरडेंटल बोन में है ये, और अगर आपको इसको लिवर प्रिंसिपल से इस्तेमाल करना है तो इसको आप अंदर डालो इंटरडेंटल बोन में। याद रखना, दूसरे दांत से आपको सपोर्ट नहीं लेना है, इंटरडेंटल बोन में डालो। इंटरडेंटल बोन में डाल करके इसको इस तरीके से जब आप घुमाओगे तो ये दांत ऑटोमेटिकली आपको जैसे बाहर आता हुआ दिख जाएगा। एक बार ये दांत देखो, धीरे 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 ये दांत बाहर आ गया और ये ऑटोमेटिकली उठ के बाहर निकल गया। और ऑल दो ओरल कैविटी में इस तरीके से दांत निकल के गिरेगा नहीं, अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा वो हो, पर ये इस तरीके से लिवर प्रिंसिपल से लग्जेट हो जाएगा। लग्जेट एक बार हो गया तो उसके बाद आप कोई भी फोर्सेप, जो भी दांत है उसके रिस्पेक्टिव फोर्सेप लगा के आप इसको निकाल सकते हो। तो ये मैंने रिफ्लेक्ट किया हुआ है म्यूकोसा, दांत एक बार निकल जाएगा। निकलने के बाद आप प्रेशर लगा के
और इसको बंद कर सकते हो या फिर इसको सूचर भी कर सकते हो। तो ये तीन एलिवेटर्स हैं। तीन एलिवेटर के बाद ये भी एक एलिवेटर है, इनको मैं साइड में रख देता हूं और इसको भी साइड में रख देता हूं। ये वाला जो एलिवेटर है ये है आपका कूपलैंड एलिवेटर। कूपलैंड एलिवेटर भी सेम प्रिंसिपल पे काम करता है, या तो आप इसको इस तरीके से वेज प्रिंसिपल पे वर्क करवा सकते हो या तो फिर इस तरीके से लिवर प्रिंसिपल पे काम करवा सकते हो, लिवर प्रिंसिपल और वेज प्रिंसिपल। सो दिस इज अ कूपलैंड एलिवेटर। एक्चुअली एलिवेटर जब भी आप खरीदते हो तो आप अगर सही रेप्यूटेड कंपनी के एलिवेटर्स खरीदोगे तो उसमें नाम लिखा आता है। यहाँ पे देखो ये साफ साफ नजर आ रहा है, API स्टेनलेस स्टील, उसके बाद इसका एक नंबर है और ये लिखा है एलिवेटर कूपलैंड नंबर 2। ये कूपलैंड नंबर 2 लिखा है मतलब ऐसे तीन कूपलैंड आते हैं, एक स्मॉल आता है, एक लार्ज आता है और उससे सबसे बड़ा आता है। तो ये नंबर 2 का है, ये मीडियम साइज का है, ये जो स्टैंडर्ड है वो यूज होता है। ऐसे 1, 2 और 3 आते हैं, 1 छोटा रहता है, 2 बीच वाला और 3 सबसे बड़ा। तो मेरे पास नंबर 2 है, उसी प्रकार से इसमें भी लिखा हुआ है एलिवेटर हैशटैग नंबर उसका 720/9। तो ये एक एलिवेटर का अपना नंबर है। तो कभी भी आप अगर आपको वाइवा में पूछते हैं कि ये कौन सा एलिवेटर है और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप जरा ध्यान से देखोगे, जैसे ये मेरे पेरियोस्टिल बहुत ज्यादा यूज हो गया है तो इसमें शायद आपको नाम या नंबर इसका नहीं दिखे। दिखाने की कोशिश करो जरा, दिख रहा है क्या इस पे? तो ये पेरियोस्टिल एलिवेटर इस पे लिखा हुआ है, आई डोंट नो कि स्क्रीन पे कितना दिखेगा ये। तो इस तरीके से आप नाम देख सकते हो इन एलिवेटर्स के। थर्ड आता है हॉस्पिटल पैटर्न। यूजुअली हॉस्पिटल पैटर्न एलिवेटर जो है इसमें ऐसे लंबे लंबे लाइंस रहेंगी, सेरेशंस रहेंगे लंबे लंबे, इनको हॉस्पिटल पैटर्न बोलते हैं। हॉस्पिटल पैटर्न इनका स्ट्रेट एलिवेटर्स का वेटर्स का जो है सारे प्रिंसिपल सेम है। इस हॉस्पिटल पैटर्न को भी या तो आप इस तरीके से वेज प्रिंसिपल से यूज कर सकते हो, ऑलवेज सपोर्ट एडजेसेंट टूथ को हमेशा सपोर्ट करके रखना है आपको, वरना वो लग्जेट हो सकता है। तो और हमेशा ये याद रखना है आपको कि ये जो एलिवेटर है आपका, ये बोन जो आपका इंटरडेंटल बोन है और दांत के बीच में है, ये दो दांत के बीच में कभी भी नहीं लगाना है। ये मैं यूं लगा रहा हूं, ये मैं दांतों के बीच में नहीं लगा रहा हूं। दिस इज अ रॉन्ग टेक्निक, दिस इज अ राइट टेक्निक। इसको आपको बोन के बीच में ले जाके और दूसरे वाले दांत को आपको सपोर्ट देते हुए लग्जेट करना है इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके से जब आप लग्जेट करोगे और उसके बाद फिर धीरे से आप लिवर प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए इस दांत को भी आप बाहर की तरफ उचका सकते हो। तो धीरे 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 ये बाहर आ रहा है और फिर बाद में आपने किसी भी फोर्सेप से पकड़ के इसको बाहर निकाल लेना है और ये इसको सॉकेट को कंप्रेस कर देना है। तो ये दो एक्सट्रैक्शन कर दिए हमने एलिवेटर से इन दोनों दांतों के। तो इस तरीके के ये एलिवेटर्स थे। ये हॉस्पिटल पैटर्न, हॉस्पिटल पैटर्न पे भी नाम लिखा हुआ है हॉस्पिटल पैटर्न, देखो आप ध्यान से अगर आप वीडियो में देखोगे तो हॉस्पिटल ये लिखा है हॉस्पिटल पैटर्न, है ना? और STR स्ट्रेट। तो ये एलिवेटर्स हैं अलग अलग, ये तीन पेयर है मेरे पास, ये कूपलैंड है, कूपलैंड ये वाला, ये कूपलैंड, ये तीनों एलिवेटर्स और ये दो मेरे पास पेरियोस्टिल एलिवेटर। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कोई अगर डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछो। और हम ढेर सारी ऐसी और वीडियोस लेकर आने वाले हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल डेंटिस्ट्री को बताएगी और सिखाएगी आपको। शायद आप थ्योरी पढ़ पढ़ के बोर हो गए हो, तो इसीलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो फटाफट।